नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी जानकारी के साथ। गुजरात से एक अहम जानकारी आपको दें, नई सरकार का 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है। समारोह को लेकर जानकारी आ चुकी है, इसमें नई सरकार में करीब 10 से 12 कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए जाएंगे, 15 से 16 राज्य मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। अल्पेश, हार्दिक पटेल, हर्ष संघवी, जीतू वाघानी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर कब्जा किया, बंपर जीत हासिल की। अब सरकार को लेकर अपडेट यह है कि 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह जो होने जा रहा है उसमें एक दर्जन से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं, 10 से 12 कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा 15 से 16 के आसपास राज्य मंत्रियों को शपथ इसी दिन दिलाई जा सकती है। अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, अजय संघवी, जीतू वाघानी बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह भी शामिल होंगे और ये बंपर जीत जो है बीजेपी को मिली, 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अब सरकार बनाने की तैयारी है। कौन कौन से लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा अभी पूरी तरह से लिस्ट सामने नहीं आई है। वह भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात की कमान संभालेंगे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में इसके ऊपर मुहर लग गई है। शंकर चौधरी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव को सभी का समर्थन मिल गया। अपडेट यह है, बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सरकार बनाने का भूपेंद्र पटेल ने दावा पेश किया है, विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी है और अब उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। सरकार बनाने का भूपेंद्र पटेल ने दावा पेश किया है, तो बड़ा अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लग गई है, अब वो दूसरी बार गुजरात की कमान संभालेंगे। रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है बीजेपी ने, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह, उसको लेकर अपडेट यही सामने आ रहा है कि इसमें मंत्रियों को लेकर अपडेट है। शपथ ग्रहण समारोह के समय में परिवर्तन हो गया है, ये अपडेट आया है। दोपहर 12:49 पर भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे, 12 दिसंबर को समय में बदलाव किया गया है। अब अपडेट यह है कि भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह, उसको लेकर समय में बदलाव किया गया है, उनके टाइम में शपथ ग्रहण के वक्त में चेंज हुआ है। अब 12:49 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, पहले 11 बजे को लेकर अपडेट था, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है गुजरात पहुंचेंगे 12 तारीख को, और अब यह शपथ ग्रहण समारोह 12 तारीख को, सीएम के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 12:49। संभावित मंत्रियों के नाम, अनिरुद्ध दवे, शंकर चौधरी, बलवंत सिंह राजपूत, ये नाम सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश पटेल, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, कनुभाई पटेल, अमित ठाकुर, किरीट सिंह राणा, कुंवरजी बावलिया, जयेश राधरिया, राघव जी पटेल, मोलूभाई बेरा, कौशिक वेकरिया, हीरा सोलंकी, इनके नाम संभावित नाम जो आपको बता रहे हैं। जीतू वाघानी, पंकज देसाई, सीके राहुल जी, मुकेश पटेल, विनू मोरडिया, बालकृष्ण शुक्ल, कनुभाई देसाई, पूर्णश मोदी, उदय, हर्ष संघवी के नाम सामने आ रहे हैं, जिनको पीसी बरंडा, कुबेर डिंडोर, गणपत वसावा, नरेश पटेल, दर्शना देशमुख, राजेंद्र सिंह राठवा, निपिशा सुथार, रमन भाई वोरा, मनीषा वकील, शंभू प्रसाद तुंडिया, इनका भी नाम शामिल किया जा सकता है। पीसी बरंडा, कुबेर डिंडोर, गणपत वसावा, तो नए चेहरों को लेकर अपडेट यह है कि जो हम आपको बता रहे हैं इनमें से संभावित लोगों के नाम, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, ये तो आने वाले वक्त में तय होगा कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं।
सरकार को लेकर और इसके साथ साथ चेहरों को लेकर चर्चा करेंगे, साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी बात करेंगे। मेरे साथ देवांग आचार्य हमारे संवाददाता हैं और इसके साथ साथ राकेश कुमार हमारे संवाददाता हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ मेरे साथ बनी हुई है। तीनों का चर्चा में स्वागत है। पहला सवाल देवांग आचार्य आपसे करना चाहूंगा, पूछेंगे अब तो साफ हो गया है सब कुछ एकदम से क्लियर के सीधे तौर पर 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वक्त में जरूर थोड़ा बदलाव किया गया शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में। अब सारी जो टकटकी लगी हुई है वो मंत्रिमंडल को लेकर है, मंत्रिमंडल में कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा, और बड़ी बात यह है कि एक मत सभी ने जो है भूपेंद्र पटेल को अपना सीएम स्वीकार कर लिया है विधायक दल की बैठक में। देवांग जी बिल्कुल बता दे आपको, जो चेहरा है सीएम का वो भूपेंद्र भाई पटेल है, क्योंकि वो एक झाटलौड़िया विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा मत से आगे आए हैं। और बात करें तो अभी जो मंत्रिमंडल रखने जा रहा है, मंत्रिमंडल में भी लास्ट टाइम भूपेंद्र मंत्रिमंडल था तभी उन्होंने अच्छा काम किया, गुजरात के लिए किया था। इसके चलते ही अमित शाह ने चुनाव प्रचारों में भी पहले भी डिक्लेरेशन कर दिया था कि जो घाटलोड़िया विधानसभा से सबसे आगे वोट होंगे, और वही चलते ही जो है भूपेंद्र भाई पटेल को दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिलेगा। जी देवांग आ रहा हूं आपके पास, राकेश कुमार के पास चलेंगे। राकेश कुमार, मंत्रिमंडल को लेकर भी कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं, किस तरीके से सारे समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि जब भी मंत्रिमंडल में चेहरों को शामिल किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाता है कि किसी जाति समुदाय विशेष को मौका मिलना चाहिए, हर किसी को वहां प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी है। और अब तो बीजेपी के पास सभी जगहों से, ऐसा नहीं है कि किसी एक खास इलाके को एक समुदाय को छोड़ दें, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित पटेल सभी लोगों ने बम्पर वोट किया है, तो उनके सामने चुनौती तो रहेगी हर समुदाय को अपनी अपनी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देना। राकेश जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से गुजरात का चुनाव हुआ और बीजेपी के 156 सीट का बहुमत उनको मिला है, उसको मद्देनजर फिर से एक बार सीएम के दावेदार के लिए भूपेंद्र पटेल का नाम अमित शाह ने जब उनका चुनाव सभा चल रहा था उसी समय कर दिया था कि हम अगर इस बार अच्छे से अच्छे 150 के प्लस जाएंगे तो फिर से सीएम के चेहरे को जिस तरह से आप लोगों ने तय किया है भूपेंद्र पटेल को ही किया जाएगा। यानी ये तो क्लियर था पहले से कि भूपेंद्र पटेल को ही मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाएगा और उनको फिर से गुजरात की मुख्यमंत्री की पद से बिठाया जाएगा। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो नया जो अब नई मंत्रिमंडल जो बनने वाले हैं उसके अंदर जो बीजेपी जो अभी नए मंत्रिमंडल में तय किया जा रहा है उसमें अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और शंकर सिंह चौधरी का भी नाम उसके अंदर एड हो चुका है। आने वाले समय के अंदर इन लोगों का नाम भी परफेक्ट और पक्का माना जाए ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल, कुछ चेहरों को तो कंफर्म तौर पर देखा जा सकता है। नेहा शालिनी दुआ के पास चलेंगे। नेहा जी, अब तो बम्पर जीत मिल गई है, जीत के जश्न लगातार सब जगह चल रहे हैं, लेकिन एक चीज जो अभी सबके दिमाग में रहेगी कि इतना बड़ा बहुमत भी कई सारे चैलेंजेस अपने साथ लेकर आता है कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करने की बात करती है। अब मंत्रिमंडल में भी कोई भी समुदाय विशेष ऐसा नहीं रहा जिन्होंने बीजेपी को खुलकर वोट नहीं किया, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आंकड़ों के हिसाब से कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीत कर ज्यादातर सामने आए हैं। तो ये एक चैलेंज भी होगा, इतना बड़ा आप लोगों के पास मैंडेट आ गया है उसमें अलग अलग समुदाय को किस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सवाल रहेगा बीजेपी के सामने। जी देखिए, इस बार जो हमारी जीत हुई है गुजरात में वो बहुत ही बड़ी, जिसे लोग जो है बम्पर जीत के तौर पे देख रहे हैं और हम भी यही मान रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है। मतलब 27 साल के बाद भी अगर आपको इतने बहुमत से कोई, मतलब 159 सीट से अगर कोई आपको जिताता है, 150 से ऊपर आप हो जाते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ऐसे लोगों के ऊपर मुंह तोड़ जवाब है जो कहते थे एंटी इनकम्पेटेंसी चल रही है, ये है वो है, हमने हमेशा ये प्रूव करके दिखाया है, हमारे काम ने हमारे हमारी ताकत बनी है। बहुत सारी पार्टियां आई जो लिख लिख के दे रही थी कि आईबी की रिपोर्ट आई है जी, हम आ रहे हैं, ये तो जा रहे हैं, ऐसा ऐसा भी बहुत। लेकिन नया जी, ऐसा तो नहीं है कि जो लिखकर देने वाले लोग थे उन लोगों ने आपके लिए आसान रास्ता कर दिया। देखिए, मैं शुरू से देख पा रहा था कि शुरुआती चरण में देखा हमने सबसे ज्यादा निशाने पर रही तो आम आदमी पार्टी रही, और कई बार नकारात्मक प्रचार जो होता है वो जो दूसरी पार्टी जो बिल्कुल भी उस जगह पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है
उसको लोग एक दूसरी नजर से देखना शुरू करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि भाई कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी जो है टक्कर में तो नहीं है और उसका फायदा मिला आम आदमी पार्टी को, वो लगभग 35 सीटों पे दूसरे स्थान पर रही है, इससे इनकार नहीं कर सकते हम। देखिए अगर वो रहे भी हैं तो ये कहीं कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया, कोई रैलियां इतनी बड़ी नहीं निकाली। और आप देखिए यहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से तो इतनी रैलियां इतनी सभाएं की क्योंकि उनका तो निशाना यही था कि गुजरात को हमने बनाना है। अब वो चाहे बोल रहे हैं कि हम इतने में भी खुश हैं, संतुष्ट हैं कि हम नेशनल पार्टी बन गए, लेकिन पहले वो यही दावे ठोक रहे थे, लिख लिख के हर चैनल पे दे रहे थे, मतलब इतनी इमेच्योरिटी वो भी अरविंद केजरीवाल जी से। लेकिन लिख कर देने का फायदा, लिख कर देने का फायदा हो गया उनको नया जी, लिख कर देने का फायदा हो गया उनको, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है वो, उसको अभी जो चीजें अभी गुजरात के लोगों ने उनको बताइए ना कितनी सीटें आई है, 5 सीटें आने पर बंदा 150 सीटों का दावा कर रहा हो, कम तो से सवाल कम हम पूछते हैं उनसे, 20 भी आ जाती ना तो लगता कि हाँ इनके दावे में कुछ दम था। वो चीजें तो पूछते हैं दावे थे, बिल्कुल वो जो आप सवाल उठा रहे हैं वो तो हम पूछते हैं अक्सर चर्चा जब होती है आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है, हम तो अक्सर पूछते हैं चर्चा में कि जी आप लोग इतना लिखने का वादा करते थे, तो चलाते भी देखिए आप लिख कर देने की बात कर रहे थे, सीटें तो आपकी 5 रह गई हैं, पर वो उसमें भी खुश हैं इस बात से कि देखिए गुजरात के लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी में बना दिया, तो लिखकर नहीं देते तो शायद हो सकता था कि गुजरात के लोग जो 5-6% वोट पर उनको अटका देते, कहां पे राष्ट्रीय पार्टी बन पाती, तो गुजरात में तो अच्छी बात उनके लिए। और वो तो ये भी कहते हैं कि भाई इतने सालों में कौन इतनी बड़ी पार्टी बन जाता है, नहीं ये कहने से कुछ नहीं होता, जरा बताएं ना किस आईबी ने उनको, कौन से आईबी के अफसर जी तो रिपोर्ट कान में आके दी थी, वो कौन सा आईबी अफसर था, मतलब इतनी इमैच्योरिटी एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि लिख लिख के देने के लिए आप तैयार हो और बाद में मुकर जाओ कि नहीं हमने तो लिख के ये दिया था, हम नेशनल बन गए इसलिए हम इसी में खुश हैं, ये बात नहीं होती। लिख के देने का मतलब है कि आप एक पार्टी के मुखिया हैं, आपकी कहीं भी बात जो है वो नोटिस होती है, जनता सुनती है आपको और आपसे कल सवाल किए जाएंगे, ये थोड़ा ना मीडिया ये सवाल नहीं करेगी कि भाई आप तो लिख लिख के दे रहे थे और आईबी का कौन सा अफसर था। तो इसका मतलब ये समझ आता है जनता को कि अरविंद केजरीवाल जी जहां भी जाते हैं झूठ फरेब अंट शंट कुछ भी बोल के उनको बस सत्ता हासिल करना है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है नया जी, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है, निशाने पर ले रही है, उनके कथनों के हिसाब से तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार की रणनीति पर और भी ज्यादा काम होगा, जहां जहां चुनाव होंगे, और वह प्रयास से रहेगा कि कांग्रेस पार्टी अगर ठीक ठाक स्थिति में है तो भाई एक ऐसे विकल्प को खड़ा कर दिया जाए कि हमारा वोट तुम्हारे पास है ही, इनका बांट दिया जाए, उसका फायदा मिल रहा है बीजेपी को, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद चर्चा इसी बात पर करेंगे कि कैबिनेट का जो है अब जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें चेहरों को लेकर बात हो रही है और जो आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा हो रही, आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में 35 सीटों पर दूसरे पायदान पर रही है, अच्छा खासा वोट बैंक हासिल किया, बनवान लगा लीजिए अगर इतनी बड़ी मात्रा में वो वोट लेती तो सीधी सी बात है इसका फायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बंपर जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह का समय निर्धारित हुआ है, साथ साथ वक्त भी निर्धारित हो गया है तारीख के साथ, और ये भी सामने आ गया है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब वो 12 तारीख को सीएम की शपथ लेंगे। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि 20 से 25 की तादाद में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है, पर प्रतिनिधित्व को लेकर हम बात कर रहे थे कि कौन से इलाके को कितना सम्मान मिलेगा इस मंत्रिमंडल में, ये चर्चा का विषय रहेगा। साथ साथ चर्चा का विषय ये भी है कि जो चीजें निकलकर सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा विकल्प बन जाए और बीजेपी के सामने चुनौती आम आदमी पार्टी खड़ी करे और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो, क्योंकि जो विधानसभा के नतीजे आए हैं गुजरात के उनमें यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि वहां पर 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर में कांग्रेस होती तो हो सकता है वो सीटें निकाल सकती थी और पिछला आंकड़ा जो उनका रहा उसके आसपास पहुंच सकती थी। मेरे साथ देवांग हैं, राकेश हैं, दोनों मेरे साथ हमारे संवाददाता। देवांग आपके पास आ रहा हूं, बड़ी बात है दूसरे स्थान पर 35 सीटों पर रहना, एक ऐसी पार्टी जो लगातार सुर्खियां बटोर रही थी और जो नेगेटिव प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से वो बीजेपी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी यहां पर मजबूत हो, उसका फायदा कांग्रेस की बजाय बीजेपी को मिल जाए, ये हालात रहे देवांग वहां गुजरात में।
जी बिल्कुल, बता दे आपको कि ये सरासर एक ये झूठा है, क्योंकि बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो दोनों पार्टी अलग है, त्रिकोणीय जंग हो रहा था, उसमें कहीं भी ये नहीं था कि बीजेपी की ओर से कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के लिए लड़ा जाए या कांग्रेस को बीजेपी के लिए। ये एक मैच जो है, जो जनता ने वोट दिए है वो जनता ने ही इनको चुन के लाए है। और बात करें तो ये चुनाव है, चुनाव में जनता, जो जनता का फैसला होता है वही सबका फैसला होता है। बाकी जो बात करें तो जो ऐसा होता कि आम आदमी पार्टी कहीं आने आगे लाने की होती तो जो विपक्ष बनाने होता तो आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस की जगह विपक्ष होते, विपक्ष बनाया होता। 19 सीटों से कहीं ना कहीं भाजपा भी नहीं आती, 19 सीटें भी कहीं कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी में भी चली जाती थी तो क्या विपक्ष भी होता। कांग्रेस ऐसी स्थिति में भी है कि हो सकता है कि उनको प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ना मिले। ठीक है देवांग, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। राकेश के पास आऊंगा। राकेश, अब थोड़ा सा बताएं कि जो अभी मैं जो चर्चा कर रहे थे नेहा शालिनी दुआ के साथ के आम आदमी पार्टी जो है, ऐसा तो नहीं है कि उसको इस रणनीति के तहत प्रोजेक्ट करने का प्रयास हो कि जहां जहां पर भी चुनाव हो वहां कांग्रेस पार्टी को जितना ज्यादा नुकसान दिया जाए वो अप्रत्यक्ष तौर पर आम आदमी पार्टी के माध्यम से दिलवाया जाए? गुजरात में दिखा आपको ऐसा राकेश? नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपकी जो बात है एक बात तो सोचने वाली बात भी है, क्योंकि देखा जाए तो गुजरात के अंदर जहां आम आदमी पार्टी 69 या 79 या 99 में रहती थी, उस जगह पर आज की तारीख में 16-17 में सिमट गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस को जो वोट, जो वोटर कांग्रेस को जो वोटिंग करते थे, जो लघुमती की बात करें हम तो वो सारी लघुमती ओबीसी एससी के जो भी वोटेड थे वो सब वोट सीधा आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। यानी इसके कारण कांग्रेस को काफी मार पड़ी है ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो विकास की बात करें, जिसके दिमाग में विकास की बात चल रही है, जिसके अंदर बीजेपी जो कट्टरवादी, जिसके अंदर बीजेपी का संघ है या संगठन में मजबूत है, वो लोग कभी भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। वो मात्र विकास की राजनीति पे चलते हैं, क्योंकि वो लोग जिस भूतकाल की हम बात करें, कर्फ्यू काफी लगते थे यहाँ पे, एचएम यानी कि हिंदू मुस्लिम के काफी दंगे यहाँ हुआ करते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार के टाइम में जो दो दो तीन तीन महीने जो बंद का ऐलान किया जाता था वो अब बीजेपी के 27 साल के शासन में नहीं है। इसके लिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमेशा बीजेपी को ही प्रोत्साहन करते हैं, इसके लिए वो उनके द्वारा जो सुना जाता है या जो समझा जाता है कि बीजेपी के 27 साल के शासन में ना कभी कर्फ्यू लगा है और ना कभी एचएम यानी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, वो सबको मद्देनजर रखते हुए एक मेंटेलिटी जो गुजरात के लोगों में वो देखी जा रही है, और इसके कारण बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कभी टूटेगा नहीं, खाली टूटेगा तो संभावनाएं हैं, इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते। राकेश देवांग, शुक्रिया मुझसे बातचीत के लिए। नया शालिनी दुआ, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 1985 का चुनाव याद आता है, 1985 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बंपर बहुमत मिला था, 149 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब उससे ज्यादा आप लोगों को बहुमत मिल गया, 150 का आंकड़ा आपने छू लिया है, कहीं थोड़ा कोई मन में डर है? कोई सहज ऐसी स्थिति लगती है कि भाई इतना बड़ा बहुमत हमें मिला है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें चिंतित तो करता है कि अगर कहीं पर भी थोड़ी सी कोई चूक हुई तो लोगों की नाराजगी भारी पड़ सकती है? नया शालिनी दुआ जी, देखिए कि जब भारी बहुमत से जिताया है जनता ने हमें, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम, देखिए जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमें यही उम्मीद थी 150 या 160 हम लाएंगे, तो हम अपनी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। उसके लिए हमने जनता को शुक्रिया अदा किया है, और ऑफ कोर्स है कि भूपेंद्र जी के जो है नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब जो गुजरात है उसको एक बहुत ही सशक्त मजबूत सरकार मिलेगी, और चैलेंजेस के साथ हमेशा मतलब अपने आप को प्रूव करके दिखाना, यही तो भाजपा की पहचान है कि जितने मर्जी चैलेंजेस आए उसके बावजूद भी हर जगह जहां हम आते हैं वहां पर हम अपने आप को, अपनी सरकार को प्रूव करके दिखाते हैं, और यही रीजन है कि हम रिपीट भी होते हैं। हाँ, अभी हिमाचल में हम रिपीट चाहे नहीं हुए, लेकिन आप देखिए कि वहां पर जो वोट प्रतिशत है वो हमारा बढ़ा, और मात्र 1% से जो है वो हम कांग्रेस से पीछे रह गए, क्योंकि एक थोड़ा सा सिंपैथी वो भी हुई थी कि वीरभद्र जी वहां के एक तरह से राजा गिने जाते थे और वो उन्हीं का, उनका भी हाल फिलहाल में ही देहांत हुआ, तो कहीं ना कहीं वोटर्स को एक वो सांत्वना, एक वो वाली चीज भी थी, और हमें लगता है कि होनी भी चाहिए। और वहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, नया जी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, 1% खाता तक भी
होता है, 1% वोट मिला उनको, वहां से अगर 2% मिल जाते तो आपको फायदा हो जाता। मैं तो एक बात लगातार कह रहा हूँ चर्चाओं में, 2% वोट ले जाते तो वो आप लोग 35 पे होते, 34 पे होते, और 34 पर होते तब भी सरकार आप ही बनाते, ऐसा कहा जाता है। जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ काफी चैनल्स पे, वहाँ जो है कांग्रेस की जो दिग्गज नेता थे, हाल फिलहाल हुआ तो एक सिंपथी लोगों की होती है, सांत्वना होती है, इवन हमारी पार्टी के लोगों की भी सांत्वना थी कि वहाँ जो वीरभद्र जी की तरफ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता उस तरीके से उन्होंने उनको थोड़ा भावनाओं का असर, ठीक है आप कहना चाहते हैं ना जी, भावनाओं के थोड़े बहाव में आकर वहाँ के लोगों ने वोट कर दिया, हमारे पक्ष में वोट जो है वो अच्छा खासा रहा, नुकसान वोटर्स का हमारी वोट के लिहाज से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी भावनाओं की वजह से 1% वोट ज्यादा कांग्रेस के पास चला गया, इसलिए वहां से वो जीत गई। चलिए शुक्रिया नेहा जी हमसे बातचीत के लिए। नेहा शालिनी दुआ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बात कर रही थी कि वहां हमारे हैं तो इसके पीछे थोड़ा भावनाओं का प्रसंग